एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब अपना कर दिया था। सत्ता बदलती है, साथी बदलते हैं, तो सुर खुद ब खुद बदलने लगते हैं। कल तक जिनके साथ गले और सुर दोनों मिलते थे, आज पाला बदल लिया तो उंगलियां उठने लगती हैं। बिहार की सियासत में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, मोदी के खिलाफ 28 दलों को एक मंच पर लाया था, वो एनडीए में शामिल होते ही अपने ही भानुमती के कुनबे और उनके नेताओं पर सवाल उठाने लगे हैं। 10 साल में 5 बार पलटी मार मार कर सीएम की कुर्सी पर बने रहने वाले पलटूराम नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बताया कि आखिर उन्होंने अपना भानुमती का कुनबा क्यों छोड़ा और पाला बदला। नीतीश ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाया कि गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उससे किनारा कर लिया और एनडीए में शामिल हो गए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधर रहेंगे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन पर भड़के नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने इसका नाम कुछ और रखने को कहा था, लेकिन लोगों ने इंडिया नाम रख दिया। आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया तो हम कहे ठीक है, हम बाद में हालत देख न लिए। बता दे कि नीतीश कुमार को ही इंडिया गठबंधन का पुरोधा माना जाता है। उन्होंने ही देश भर की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने की पहल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया, जिससे इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। अब तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार के पलटीमार एक्शन से इंडिया अलायंस को कितने सीटों का झटका लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।